हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा और आज आपके सामने लाया हूं राग तिलक कामोद की एक बढ़िया सी लाइट क्लासिकल बंदिश जो कि ताल दीपचंदी में है। तो हम तिलक कामोद की इस बंदिश के लिए आगे बढ़ें, इससे पहले हम राग तिलक कामोद का पूरा परिचय ले लेते हैं। तो शास्त्रों में राग तिलक कामोद के लिए एक श्लोक यानी दोहा दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। साप को वादी संवादी मानद तिलक कामोद द्वितीय प्रहर निशी समय है ओडव साडव ओठ। यानी इस राग की जाति ओडव साडव है और रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसे गाया बजाया जा रहा है। वादी संवादी सा और प है, इसका चलन बहुत वक्र है आरोह में भी और अवरोह में भी, और इसके न्यास स्वर है सा ग और प, यानी सा ग प स्वर पे न्यास यानी के ठहराव किया जाता है। इस राग में दोनों निशा गाए बजाए जाते हैं, आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल में। इसकी जाति ओडो साडो है, इसके लिए आरोह में दो स्वर वर्जित है ग और ध, और अवरोह में एक ही स्वर वर्जित है वो है रे। ग से तुरंत सा लिया जाता है, ग सा ग सा, इसका आरोह अवरोह देख लेते हैं। इसका आरोह है सा सा रे ग चंचल है, इसके लिए इसमें बड़ा ख्याल बहुत कम देखने को मिलता है विलंबित में, लेकिन छोटा ख्याल ठुमरी भजन देखे जाते हैं और कभी कभी ध्रुपद भी मिल जाते हैं। इस राग से मिलते जुलते राग है राग देश और राग सोरठ। राग देश बहुत जाना पहचाना राग है और उस राग को इस राग से मिक्स होने से बचाना पड़ता है बार बार। तो देखिए दोनों राग की स्वर संगतियां क्या क्या है। तो पहले तिलक का मोद, सारे ग सा। अब देश में रे म प ध म प सा प नी द प द म ग सा रे ग सा नी। अब देख रहा रे म प Thank you.
देश में और तिलक कामत में मुख्य अंतर। अब राग तिलक कामत की एक बंदिश में पहले ऑलरेडी उसका ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, नीर भरण कैसे जाऊं सकेरिया में। नीर भरण कैसे जाऊं सकेरिया। तो अब जो बंदिश है वो दीपचंदी ताल में, 14 मात्रा के दीपचंदी ताल में है और ये स्वर मालिका जैसी है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत अच्छी भी लगेगी सुनने में, बजाने में। आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। पहले ये पूरी बंदिश फ्लूट पे सुन लेते हैं, उसके बाद उसको स्वर में सुनेंगे ताल के साथ, फिर उसका एक एक लाइन का नोटेशन। Peace out.
बंदिश थी 14 मात्रा के दीपचंदी ताल में और उसकी स्पीड थी 160 BPM। ये बंदिश जिसकी सारी लाइनें पहली मात्रा यानी सम से शुरू होती है। तो अब इसकी एक एक लाइन की नोटेशन स्लोली स्लोली देखते हैं ताकि आप इसको सीख सकें, कॉपी कर सकें। तो पहली लाइन है नी प नी सा रे ग म ग रे। यहाँ पे ये रे ये मरे ले रहा है मरे रे 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 ग रे ग प प म ग सा सा रे ग सा नी। फिर से नी प नी नी सा रे ग म ग रे 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 ग रे ग प प म ग सा सा ग रे ग सा नी। यहाँ पे हम दो तरह से ले सकते हैं सा रे ग सा नी या दूसरी रीत है सा ग रे ग सा नी। ये दोनों तरह से ले सकते हैं, दोनों अच्छी लगती है। फिर से नी प नी नी सा रे ग म ग रे 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 ग रे ग प प म ग सा सा रे ग सा नी रे ग रे ग प प म ग सा सा ग रे ग सा नी नी प नी नी सा। अब इसकी अंतरे की पहली लाइन जो है वो मुखड़े की पहली लाइन लेके साफ है, सात मात्रा का एक्सटेंड करना है। देखिए नी प नी नी सा। अब अंतरा शुरू होता है रे रे म म प प द म ग रे ग नी सा। ये दो लाइन दो दो बार गानी है रे रे म म प प द म ग रे ग नी सा म म प नी नी सा नी सा सा प नी सा रे ग सा नी सा। फिर से म म प नी नी सा नी सा सा प नी सा रे ग सा नी सा। नेक्स्ट प नी सा रे सा नी ग प प द म ग रे ग नी सा प नी सा रे सा नी द प प द म ग रे ग नी सा नी प नी नी सा रे ग म ग रे 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 ग रे ग प प म ग सा सा रे ग सा नी नी प नी नी सा। तो यह है पूरी दीपचंदी की एक बंदिश तिलक कामोद राग में। बहुत प्यारी बहुत अच्छी बंदिश है ये बंदिश। आप शुरू करके मुखड़ा गाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा इसी राग का आलाप करें, थोड़ी आलापचारी करें, दुगुन तिगुन करके भी बताएं तो ये बहुत ही अच्छी लग सकती है। लाइट क्लासिकल में तिलक कामोद की ये बहुत ही बढ़िया सी बंदिश है। आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बहुत देखा है, बहुत कमेंट्स दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।